हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो नई वैकेंसीज लेके आया हूँ वो स्कूल से हैं, और सैलरी आप लोगों की अप टू 60,000 जरूर रहेगी। थ्री स्टेट से आज की मैं आप लोगों के लिए वैकेंसीज लेके आया हूँ, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेट से भी लोग इन स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है उसको कवर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स योर चैनल। आप लोगों ने इस उम्मीद के साथ वीडियो ओपन किया होगा कि कोई जॉब शायद मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। मेरे आप पिछले वीडियोस भी देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाएं, वहाँ ढेर सारी मोर देन 500 वैकेंसीज आपको इन 15 दिनों में मिलेंगी। इतने सारी वैकेंसीज मैं वहाँ पोस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ लेटेस्ट वीडियो है। हर रोज आपको 5 से 6 वीडियो देखने को मिलते हैं, मतलब हर रोज आपको 60 से 70 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के मोर देन 500 कम बोल रहा हूँ, लेकिन 500 वैकेंसीज तो आपको आराम से मिलेंगी इन 10-15 दिनों के जो शुरुआत के दिन हैं। तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें, और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, आज वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसीज तो पीजीटीज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, अकाउंट्स में, और इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए एसएसटी के, और प्राइमरी टीचर चाहिए इंग्लिश के लिए। इन सभी जॉब्स के लिए जो बीएड है, बीएड इज कंपलसरी, और कम से कम मिनिमम 0 to 2 years, मतलब अब 0 to 2 years का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास मैक्सिमम 2 years का एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कुछ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी अभी एमएससी बीएड की है, या बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, या जो भी आपने अभी फ्रेशर्स अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, एंड कंप्यूटर नॉलेज इसेंशियल है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते हो। तो उस टाइम आपका कंप्यूटर की स्किल्स पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा बर्सर की रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर दिस पोस्ट यू शुड बी ग्रेजुएट इन अकाउंट्स विद साउंड नॉलेज ऑफ टैली। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नॉन टीचिंग वैकेंसी आ गई। अब अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है, hr@stkabiracademy.in। अब ये अकेडमी का नाम क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है एक्चुअल में, ये नाम है सेंट कबीर अकेडमी, सीबीएसई से अफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और ये है देहरादून में दोस्तों। तो पहली वैकेंसी पहली स्कूल की आपसे अब मैंने शेयर की। अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, जो अगली वैकेंसी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो है एक, आप किड्जी के नाम से तो जानते हो, और किड्जी स्कूल में, और ये स्कूल जो है देहरादून में है, बंजरावाला में, यहाँ पे प्री स्कूल है ये, यहाँ पे टीचर्स चाहिए, फीमेल टीचर्स चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली कुछ लिखा नहीं है, और इवन इन्होंने कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, सिर्फ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी नेगोशिएबल रहेगी, और फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, अभी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कोई गलती से आपसे पैसा मांगे जॉब के बदले में, वो नहीं देना है। गलती से कोई कंसल्टेंट ना आ जाए, वैसा होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कॉल करके पूरी पहले जानकारी जरूर ले लेना, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। इसके बाद कारमेन रेजिडेंशियल एंड डे स्कूल है ये भी देहरादून में ही है, और यहाँ पे एमए इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट चल रही है। ठीक है, बीएड होनी चाहिए टू टीच आईसीएससी 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड आईएससी 12th क्लास स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इनका ईमेल एड्रेस है, आप अपना बायोडाटा इस ईमेल आईडी पे इन्हें भेज सकते हैं।
अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। अब दोस्तों जो अगली वैकेंसी है फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल फिजिकल ट्रेनिंग कम स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है। डिजायरस कैंडिडेट शुड सुटेबली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस शुड एंड शी शुड बी एनर्जेटिक विद गुड स्पोकन इंग्लिश। तो ये जो अभी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है फिजिकल ट्रेनिंग कम स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की, ठीक है, ये कहाँ है? ये माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स है, सेक्टर 66 सास नगर मोहाली में। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हुई हैं, इनका जो एड्रेस है वो देखिए दो वो है माई भागो इंस्टीट्यूट है ये सेक्टर 66 सास नगर मोहाली में प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट है गर्ल्स के लिए। तो फीमेल फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर चाहिए, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर चाहिए, तो आपने अपना बायोडाटा जरूर भेज सकते हैं आप इस ईमेल आईडी पे। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे अभी वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं जो 2 अगस्त 2021 से लेकर के 5 अगस्त 2021 तक चलते रहेंगे, 11 सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो कैंडिडेट्स हु हैव प्रिपेयर्ड अपीयर्ड अर्लियर, जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं वो तो ना दें, लेकिन जो कैंडिडेट्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, वो जरूर अप्लाई करें। बाकी ईमेल आईडी ये है, फोन नंबर ये है, और आप लोगों को डेट्स आप लोगों को मैंने मेंशन कर दी हैं। इन डेट्स में आप लोगों ने यहाँ पे जाकर के इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हैं तो अपना बायोडाटा मेल कर सकते हैं, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। अब इसके बाद अगली जो वैकेंसीज हैं बम्पर वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहली पोजीशन है प्री प्राइमरी टीचर्स, और एक बहुत ही ब्रांडेड बड़ा ब्रांडेड स्कूल है ये जहाँ ये वैकेंसीज हैं। प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मोंटेसोरी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, प्राइमरी टीचर चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, जिसके लिए बीए बीएससी एमए एमएससी एंड बीएड होने चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर बीपीएड एमपीएड होने चाहिए, टीचर्स फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, एडमिन ऑफिसर चाहिए, जिसके लिए एमए है अगर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और एमबीए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स चाहिए बीकॉम एमकॉम, देखिए यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट पीयूसी होना चाहिए, तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना बायोडाटा इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सैलरी आप लोगों की यहाँ पे नेगोशिएबल रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंशियल्स, शॉर्ट लिस्टेड को कैंडिडेट्स को फिर कॉल की जाएगी इंटरव्यूज के लिए। अब ये देख लेते हैं वैकेंसीज कहाँ पे ओपन है। ये वैकेंसीज निकली हुई हैं जनपरिया सेंट्रल स्कूल, एक प्रपोज सीबीएसई स्कूल है, यूनिट ऑफ जनपरिया एजुकेशन ट्रस्ट, ये नंबर दे रखे हैं, और ये बंतवाल में है, बंतवाल ये कर्नाटका के पास पड़ता है दोस्तों। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दीज जॉब्स देन यू कैन अप्लाई, इफ यू आर रेडी टू रिलोकेट टू अदर एरियाज यू कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स ऑल्सो। I wish best of luck to all of you. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो टूडेज। थैंक यू वेरी मच।